सूरह यूसुफ का जिक्र फरमाया और इरशाद फरमाया जा रहा है कि अलिफ लाम रा ये हरूफ मुकत्तात हैं। फरमाया तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं खुली हुई रोशन किताब की। फरमाया इन्ना अनज़लनाहु कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताकिलून, बेशक हमने कुरान को अरबी में उतारा है ताकि आप लोग इसे खूब समझ लें। इरशाद फरमाया जा रहा है नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, हम बयान करते हैं आपसे एक बड़ा ही प्यारा किस्सा। अहसनल कसस, किस्सों में से एक बड़ा प्यारा किस्सा। बिमा औहैना, ताकि हम इस कुरान के जरिए जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया है हम एक प्यारा किस्सा आपसे बयान करते हैं। वइन कुंतुम मिन क़ब्ल ही लमिनल गाफिलीन, अगरचे इससे पहले आप इसकी खबर रखने वालों में से न थे। किस्सा क्या है? किस्सा यहाँ से शुरू होता है, इज़ काला यूसुफ़ ली अभी, जब कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से। क्या कहा? कहा या अबती, ए मेरे बाप, इन्नी रही तो अहदा अशरा कऊ कबा, बेशक मैंने ख्वाब में देखे हैं 11 सितारे, व शम्स और सूरज, वल कमर और चांद, रही तुम ली साजिदीन, के वो मुझे सजदा कर रहे थे। ये ख्वाब देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कई निकाह फरमाए, अल्लाह ने आपको 12 बेटे अता फरमाए। दो बेटे थे आपके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम, जो एक वालदा से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीनो जमील थे, बड़े खूबसूरत थे। कुछ लोग ज़ाहिरन खूबसूरत होते हैं तो कुछ की साथ आदतें भी बड़ी खूबसूरत होती, बड़े नफीस, बड़े फरमा बरदार, बड़ी मीठी ठंडी बात करने वाले। होता यह है कि जब कोई बच्चा प्यारा भी हो और आदतें भी अच्छी हों तो माँ बाप की आंखों का तारा बन जाता है, बाकी मेहनत करने की बजाय शिकवा करना शुरू कर देते हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बड़ा प्यार करते थे। और आज इस वाक्य में आपको ये भी समझ आएगी कि सारी जिंदगी लोगों ने माँ बेटे का प्यार बयान किया है, ये वो वाक्य है जिसने बाप बेटे का प्यार बयान किया और अनोखे अंदाज में बयान किया। यानी बाप और बेटे के प्यार का भी कोई शख्स किसी जगह तसव्वुर कर सकता, उसे मापा और तोला जा सकता नहीं है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साहिबजादे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप बड़ा प्यार करते थे तो बाकी भाई थोड़ा हसद करने लगे, उन्हें जलना शुरू कर दिया। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन फरमाने लगे अपने वालिद से कि अब्बा जी, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। काला या बुनैया ला तक्सुस रुया का आला इखवातिका, का बेटा अपना ख्वाब अपने भाइयों से ना बयान करना, अपना ख्वाब अपने भाइयों से ना बयान करना। फयकीदू लका कैदा, हो सकता है वो तेरे खिलाफ कोई साजिश रचें। क्यों रचें? इसलिए कि इन शैतान अलिल इंसानी अदुव मुबीन, बेशक शैतान आदमी का खुला हुआ दुश्मन, वो हर वक्त वसवसांदोजी करता है। तो लिहाजा भाइयों से बात बयान आपने नहीं बयान की। आहिस्ता आहिस्ता ना वो हसद बढ़ता, हसद बहुत बड़ी बीमारी है। अगर नबियों के बेटों में हो सकता है तो आम इंसानों में क्यों नहीं हो सकता? अंबिया के बेटे अगर कर सकते हैं तो आम लोग भी। आप जब किसी शख्स को देखे ना, किसी के बारे में कच्चे जुमले बोल रहा है, कमजोर बात कर रहा है, तो पहले अच्छी तरह टटोल लें कि हक बयान कर रहा है या सिर्फ हसद के बीच रह के गुफ्तगू कर रहा है। बहुत बड़ी बीमारी है। उन्होंने एक चाल बनाई दसों ने मिल के इस तरह करें कि इनको कोई सख्त सजा दें, इन्हें कत्ल कर देते हैं। फिर कहने लगे मारते नहीं, कुएं में फेंक देते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हाजिर होकर अर्ज की कि हम सैर करना चाहते हैं तो हमारा भाई यूसुफ भी तो हमारा भाई है ना, हमारे साथ भेजे, वहाँ खेलेगा, कूदेगा, खाएगा, पिएगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे यूसुफ को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें जुदा करने को दिल ही नहीं करता,
कि वो जाए ना। कई दफ़ा बाज़ बच्चे नालायक होते हैं, वो जुदा होते हैं, लेकिन उनको जुदा करने को दिल है। लेकिन हज़रत यूसुफ़ तो लायक बच्चे थे ना अपने वालिद के, उनका भी नहीं इरादा था। भाई ले गए और ले जा कर के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहले बहुत ज़्यादा मारा, पहले मारा, फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतार के उनके हाथ बांधे, फिर बड़े भाई ने यहूदा ने रस्सी के साथ बांध के कुएं में लटका दिया, और फिर जब दरमियान में पहुंचे तो फिर रस्सी को काट दिया। हज़रत यूसुफ जब गिरे पानी में आवाज़ आई तो हंसे। मुफस्सरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा, फरमा जाओ मेरे यूसुफ को पकड़ के ना तो एहतियात के साथ नीचे रख दो। हज़रत यूसुफ को रख दिया गया। 3 दिन और 3 रातें जनाब यूसुफ कुएं में रहे। बचाने वाला ज़्यादा बड़ा है, महफूज रखने वाला ज़्यादा ताकतवर है। 3 दिन और 3 रातें कुएं में रहे। उन्होंने क्या किया कि हज़रत यूसुफ का कुर्ता चूँकि उतार लिया था, 2 कुर्ते उन्होंने पहने हुए थे, बाद में मुफस्सरीन ने लिखा है एक तो कुर्ता वो था जिन्होंने इस्तेमाल किया, तो एक कुर्ता बतौर तावीज़ के हज़रत याकूब ने उनके गले में डाल दिया था बतौर बरकत के, तो वो कुर्ता भी उनके गले में था। एक कुर्ते से उन्होंने बांध दिया, दूसरा कुर्ता जो था ना उसको खूंद लगा के ना बकरी का, तो हज़रत याकूब के पास आए और जब दरवाजे तक पहुँचे तो शोर करने लगे ज़ोर ज़ोर। हज़रत याकूब परेशान होकर बाहर आए, चूँकि वो बकरियाँ भी साथ लेके गए थे, बकरियाँ चराया करते थे, तो कहा बकरियों को भेड़िया तो नहीं पड़ गया? तो कहने लगे हुजूर बकरियों को तो नहीं पड़ा पर हजरत यूसुफ को ले गया है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ना वो कुर्ता देखा तो कुर्ता देख के फरमाने लगे बड़ा सियाना था भेड़िया, यूसुफ सारा खा गया है पर कुर्ता किसी जगह से फटा भी नहीं। इसका मतलब है कि हज़रत याकूब को समझ आ गई कि मेरे यूसुफ को भेड़िए ने खाया नहीं है। ये कुरान मजीद है, फरमाया बड़ा समझदार था भाई, कुर्ता फटा भी नहीं और यूसुफ वो सारा खा गया। अब ये रोज़ वहाँ बकरियाँ चराने जाते थे, या जनाबे याकूब तो रोने लगे तो भाई रोज़ जाते थे, झांक झांक के देखते थे कि यूसुफ है कि नहीं। 3रे दिन एक काफिला वहाँ से गुजरा जो मिस्र जा रहा था। उन्होंने पानी निकालने के लिए जब डोल लटकाया तो हज़रत यूसुफ ने पकड़ लिया। उस शख्स ने हज़रत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऊपर खींचा, जब अब वापस ऊपर ज़िंदा निकल आए तो भाई फिर हैरान हो गए। अभी भी शुक्र अदा नहीं किया कि 3 दिन के बाद देखो अल्लाह ने कितना फजल फरमाया है। लेकिन वो फिर कहने लगे करीब आके ना उससे ये हमारा भागा हुआ ग़ुलाम है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो सस्ता बेच देंगे। हज़रत यूसुफ का कौल बाद मुफस्सरीन ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि मुझे जब उन्होंने थप्पड़ मारे तो इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, कुएं में फेंका तो इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, तकलीफ़ तब हुई जब उन्होंने मुझे भाई नहीं माना और कहने लगे ये हमारा भागा हुआ ग़ुलाम है। तो कहा कितने का बेचोगे? का तुम 20 दिरहम दे दो और ले लो। 20 दिरहम का जनाबे यूसुफ को बेच दिया। वो ले गए मिस्र की मंडी में, वहां कीमत लगने लगी, कितने हजार, इतने हजार, इतने हजार। अल्लाहु अकबर। जनाबे यूसुफ कहते मैंने वो रंग भी देखा कि जब मेरा बाप सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता था, और आज मैं वही यूसुफ हूं जिसकी बोलियां लग रही, जिसकी बोलियां लग रही। अजीज मिस्र आ गया, मिस्र का जो माले खजाना का मालिक था वो शख्स आ गया। इसमें भी कई अकवाल हैं कि वो बादशाह था कि क्या था, बहरहाल अजीज मिस्र आया, खजानों पर कब्जा उसी का था। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना तोल के दिया, वजन के बराबर चांदी तोल के दी, वजन के बराबर उसने हीरे जवाहरात दिए, फिर घर ले गया। और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं एक आजमाइश से निकला, जब घर आया तो बड़े सुकून से रहने लगा। अजीज मिस्र ने अपनी बीवी जुलैखा से कहा इसका खास ख्याल रखना। फरमाते मोहब्बत मिलने लगी, प्यार मिलने लगा, घर में मैं बड़ी खुशी से रहने लगा, पर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आजमाइश पर आजमाइश जरा देखिएगा, पहले बाप का प्यार, फिर कुआं, फिर कुएं से बच गए तो मिस्र की मंडी। फरमाते वहां से मैं बच के आया तो अजीज मिस्र के घर रहने लगा,
जुलैखा फरेफ्ता हो गई, गुनाह की दावत देने लगी, तो हजरत यूसुफ ने कहा काला माज अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। सारे दरवाजे बंद करके जब वो पीछे भागी, असल हसीन वही शख्स होता है जो अपने बातन के हुसन को बचा लिया करता है। जो सौदागरी करने लगे वो थोड़ा हसीन होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भागे तो उसने पीछे से पकड़ के कुर्ता खींचा, कुर्ता फट गया। अभी आप दरवाजे तक पहुंचे थे, अजीज मिस्र खुद आ गया। उसने आगे कहा यह क्या हो रहा है? तो उसने मकर किया जुलैखा ने, कहने लगी कि होना क्या है, इसको घर में रख के पाला है, अब जवान हुआ है तो माज अल्लाह इसने मेरे तरफ दस्त दराजी करने की कोशिश की है। हजरत यूसुफ फिर खामोश हो गए। भाई बेच रहे थे तो फिर भी खामोश थे। कभी कभी कुछ चीजें खामोश रह के सहनी पड़ती हैं। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर चौपे। जुलैखा ने बड़ी बातें की। एक दाना आदमी था, कुरान कहता है एक बोला बोलने वाला, एक अकलमंद बोला। उसने कहा देखो ना जुलैखा की सुनो ना यूसुफ की सुनो, अगर तो कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो फिर गलती है जनाब यूसुफ की, और अगर पीछे से फटा है तो फिर जुलैखा की गलती। हजरत यूसुफ की माजल्ला फिर गलती, तो अजीज मिस्र ने कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था, लेकिन इमाम कुर्तुबी कहते हैं वो कोई अकलमंद आदमी नहीं, वो तो 4 महीने का बच्चा था, वो एक 4 महीने का वो करीब था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही देने के लिए अल्लाह ने उसे जुबान दी थी, जुलैखा के मामू का बेटा था, 4 महीना का गहवारे में लेटा हुआ जब बादशाह से फैसला नहीं हो रहा था और बादशाह परेशान था अजीज मिस्र के, किसी को जाके बताऊंगा तो कोई क्या सोचेगा, इसके घर में क्या कुछ होता है। कहते परेशान था तो पंगूड़े से बच्चा बोल पड़ा, कहने लगा बादशाह अगर तो कुर्ता आगे से फटा है तो फिर माज़ अल्लाह गलती हजरत यूसुफ की, अगर पीछे से फटा है तो फिर जुलैखा की, तो कुर्ता पीछे से फटा था, हजरत यूसुफ के हक में गवाही मुकम्मल हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता ना दरबार में महल में बात फैलने लगी, तो बीबियां कहने लगी ओहो जुलैखा तो एक गुलाम पे आशिक हो गई है, एक गुलाम पे। तो जुलैखा कहने लगी तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, ये रटे डालने वाले देखते नहीं और दूर खड़े रह रह के कहानियां सुनाते रहते। उसने कहा तूने अभी देखा नहीं ना, तूने अभी, तुझे क्या पता हो कि माजरा क्या है। तो कहने लगी नहीं तू गुलाम पे। उसने कहा चलो तजर्बा कराती हूँ। सारी औरतों को बिठाया, हाथ में एक एक सेब दिया, एक एक छुरी दी, और जब पूरी तैयारी हो गई फल काटने की औरतों की, तो जनाबे यूसुफ से कहा जरा झलक तो दिखाओ। तो हजरत यूसुफ ने जब झलक दिखाई तो कुरान कहता है सेब काटने की बजाय हाथ काट लिए, और कहने लगी ओहो ये कोई बशर नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है, ये कोई फरिश्ता है, ये तो कोई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाला कोई करामत वाला इज्जत वाला शान वाला फरिश्ता है। तो जुलैखा कहने लगी समझ आई है फिर, तो मुझ पर शिकवा करती थी। तो अब वो बात भी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, गलती जुलैखा की। अब बादशाह ने जुलैखा से कहा कि अगर तो मैं तेरी बात करूं तो तेरे साथ मेरी बदनामी का भी डर है, तो क्या करें। तय ये पाया कि हजरत यूसुफ को जेल में डाल दिया जाए। पहले भाइयों के थप्पड़, फिर कुआं, फिर मिस्र की मंडी, फिर जुलैखा का इल्ज़ाम, और फिर बारी आ गई जेल जाने की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में, कुछ ने लिखा है 12 साल जेल में रहे, जेल में डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में क्या करते? वाज फरमाते, तबलीग फरमाते, लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत देते। वहाँ जेल में ना एक शख्स ने ख्वाब देखा, उसने देखा कि मेरे सर पे ना परिंदे खा रहे। तो हजरत यूसुफ कहने लगे इसकी ताबीर ये है कि तुझे कत्ल किया जाएगा, और तेरी लाश कुछ देर पड़ी रहेगी तो परिंदे तेरे सर पे आके बैठेंगे, ये ताबीर है। ऐसा ही हुआ, वाकई वो शख्स कत्ल हो गया। एक शख्स ने देखा कि वो शराब कशीद कर रहा है, उसने भी ताबीर पूछी तो आपने फरमाया तो अपने बादशाह को पिलाएगा। महसूस होता है कि उतनी देर तक शराब नाजायज नहीं थी, तो तू उसको शराब पिलाएगा, ये उसकी ताबीर है।
वक्त गुजरता गया। वक्त जो होता है ना, वक्त ये खुद ब खुद लोगों की बेगुनाही साबित कर देता है। एक वक्त में ना प्रोपेगेंडा होता है, तो हर आदमी प्रोपेगेंडे का शिकार होता है। फिर जब वक्त गुजरता जाता है तो खुद ब खुद वक्त का गुजरना कुछ चीजों का खुद ब खुद हाल बन जाता है। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहि सलातु सलाम को जब 12 साल बीत गए तो बादशाह ने अजीज मिस्र ने ख्वाब देखा। उसने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताजी गायें दुबली पतली गायें को खा गई, और 7 खुश्क बालियां हैं और 7 सरसब्ज और शादाब बालियां हैं। अपने वजीर से कहने लगा कोई ताबीर वाला बंदा मिले। उसने कहा कि एक बंदा है जिसकी ताबीरें बड़ी सच्ची हैं। कहा वो कौन? कहने लगे जनाब यूसुफ। तो कैद खाने में पैगाम दे हजरत यूसुफ को कि ख्वाब की ताबीर बताएं। तो जनाब यूसुफ ने ये नहीं कहा पहले मुझे बाहर निकालो, ये नहीं फरमाया। फरमाया ताबीर ये है, ये 7 खुश्क बालियां देखी है ना, उसका मतलब है कि 7 साल तंगदस्ती रहेगी, और 7 सरसब्ज बालियां देखी हैं तो फिर 7 साल अल्लाह खुशहाली दे देगा। और फरमाया ये जो तुमने गायें देखी हैं मोटी ताजी वो खा गई, फरमाया इसकी ताबीर ये है कि कोशिश करना कि जो तुम्हारे पास दिन ये चल रहे हैं जिनमें सरसब्ज और शादाब है खेतियां, तो 7 सालों के लिए अनाज जमा कर लेना, बालियों के अंदर ही रहने देना, बाहर ना निकालना। और फिर अगले जो खुश्क साल होंगे ना, वो ये जो जमा पूंजी की होगी ना, इसकी बरकत से वो 7 साल आसानी से। इस पर हमारे मुफस्सरीन ने लिखा इस आयत पर, सूफिया और बुजुर्ग तो कहते ना सारा अल्लाह के रस्ते में दे दो, ये भी बात अच्छी है, लेकिन अगर कोई अपने बच्चों के लिए आने वाले वक्त के लिए कुछ चीजें संभाल के रखे तो ये भी सूरह यूसुफ से साबित है, ये भी सूरह यूसुफ से। तो ये भी कोई ऐसा फेल नहीं है जिस पर कोई शख्स तनकीद कर सके। आम दाम बरसरे मतलब, हजरत यूसुफ ने जब ताबीर बताई तो बादशाह कहने लगा कि उन्हें बाहर निकालो। आप फरमाने लगे मैं नहीं निकलता भाई, नहीं निकलता मैं जेल से, यही ठीक हूं मैं। आप क्यों नहीं निकलते? कहने लगे पहले ऐलान करके लोगों को बता के मैं बेकसूर हूं। वो जो तूने प्रोपेगेंडा किया ना अपने अपने मुंह से ऐलान कर। उसने जनाब ज़ुलैखा को बुलाया, उन औरतों को बुलाया, वो औरतें सारी सामने आईं, उन्होंने गवाही दी कि यूसुफ तो बेगुनाह है। पर साल कितने लग गए? अल्लाह अकबर, 12 साल लग गए। यकीन करें कुछ लोगों को ये साबित करने में ना कि मैं ठीक हूँ जिंदगी बीत जाती है, और मैं तुम्हारा खैर का हूँ जिंदगी बीत जाती है। लोगों को होश तब आती है जब मज़ार पर चादर ढालने का टाइम आ जाता है, होश तब आती है, लेकिन फिर होश का कोई फायदा। 12 साल के बाद बादशाह ने उनको बुलाया और कहने लगा कि ये जो ख्वाब मैंने आपको सुनाया अब करना क्या है? तो हजरत यूसुफ कहने लगे तुमसे कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो फिर ये खजाने की जिम्मेदारी मेरी लगाओ, अगर कोई काबिल आदमी हो तो वो आगे बढ़ के बात कर सकता है। यहाँ हर बंदा ही आगे बढ़ के कहता है मुझे दे दो ड्यूटी, लेकिन काबिल हो तो वो आगे बढ़ के बात करे और समझे कि मेरे अलावा किसी के लिए मुश्किल है तो फिर वो आगे बढ़े। हजरत यूसुफ ने जब कहा तो उन्होंने आपको वजीर खजाना बना दिया। फिर एक वक्त आया कि वो अजीज मिस्र ही बन गए, कहत पड़ गया। जब मिस्र में कहत पड़ा तो दाएं बाएं भी कहत पड़ा, किनान के आप रहने वाले थे वहां भी कहत पड़ा। हजरत याकूब बेटे की याद में रो रो के तो आंखों की बिनाई चली गई। और यारो बाप भी बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही प्यार करता, बड़ा ही पता है बाकी तुम्हें तोहफे देते हैं, बाकी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो बाप तो बेटे को अपनी जवानी दे देता है, अपनी जवानी अपने बेटे के नाम कर देता है बाप। बाप भी बड़ा ही प्यार करता है संगियो, कोई नहीं तोल सकता। बच्चे ऐसे घूम रहे होते हैं ना अब्बा जी के सामने, तो उनका उठना बैठना चलना ही बड़ा प्यारा लगता है, का आना जाना ही बड़ा प्यारा लगता है। बाप का तो कद रोज ऊंचा होता है कि अल्लाह ने मुझे लाल अता फरमाए। हजरत याकूब की आंखों की बिनाई चली गई रो रो के। भाई हजरत यूसुफ के जब कहत पड़ा तो उन्हें पता चला कि एक वाहद शहर मिस्र है जहां गंदम स्टॉक है, जो कि हजरत यूसुफ को पता था, खाब बादशाह देख चुका था, तो आपने माल 7 सालों के लिए जमा कर लिया। अब भाई आए, अल्लाहु अकबर, दुश्मन सामने नजर आए, मुखालिफ हासिद, तो फिर इंसान ठहरा रहे, और इंसान कमजोर ना हो ताकतवर हो, इतना ताकतवर हो कि हुक्मरान ही बन गया हो। जरा नबियों के हौसले भी देखना,
पैगंबरों के हौसले भी देखना, भाई आए का गंदम चाहिए तो जनाब यूसुफ ने ओहो भाइया जया साख नहीं कोई जे बिच खार ना हो। हाँ और मियाँ साहब फरमाया करते थे भाई भाइया दियाँ बाहवा आंदे ते भाई भाइया दे वैरी। भाई जैसे ही दाखिल हुए तो जनाब यूसुफ की आंखें बाहर आई, रो पड़े, ओ मेरे भाई आ गया, रो पड़े। वजीर मशीर दाएं बाएं देखते हैं कि हजरत यूसुफ को क्या हुआ, रो पड़े और भर भर के गंदम दी, उसको इशारे करते चल थोड़ी और डाल दे, चल थोड़ी और डाल दे। जब भाइयों को दे चुके तो फिर फरमाने लगे कि शायद इससे गुजारा ना हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आ जाना, अपनी कौम को तरस दे रहे थोड़ा थोड़ा खाओ। उन भाइयों को कहते हैं जरूरत पड़ी ना आ जाना दोबारा, और कहने लगे तुम्हारा एक और भाई भी है। कहाँ है? बिन्यामीन नाम है। फरमाए हो सके तो उसे भी ले आना। भाई पैसे लेके आए थे गंदम लेने के लिए, और जब वापस जाने लगे तो हजरत यूसुफ ने उनकी रकम दोबारा रख दी, वो दोबारा उनकी बोरियों में रख दी। घर जाके उन्होंने खोली तो गंदम भी थी और पैसे भी थे। अब भाइयों से पैसे थोड़ी वसूल करने, जाके अपने वालिद से कहने लगे अब्बा बादशाह बड़े देखे हैं पर उसमें कोई खुशबू देखी। तो उसने कहा है कि अपने दूसरे भाई को भी लेके आना, तो बिन्यामीन को ले जाए। हजरत यकूब फरमाने लगे पहले भी तुम पे भरोसा कर चुका हूँ, बार बार नहीं करूँगा, यूसुफ गवा चुका हूँ। पोते बोल पड़े, कहने लगे दादाजी आप तो हर वक्त यूसुफ यूसुफ ही करते रहते। उन्होंने जिद की, इसरार किया, तो जनाब बिन्यामीन को साथ वादा लेके, अहद लेके, कसम लेके भेज दिया हजरत याकूब ने। जनाब बिन्यामीन भी पहुंचे मिस्र में, ये दोनों एक माँ से थे, सगे दोनों थे। हजरत यूसुफ ने जनाब बिन्यामीन को देखा तो अपने साथ बिठा लिया और जरा बातें बातें करके ना, इधर बैठ जाओ इधर बैठ जाओ, अच्छा नहीं है जगह आप इधर आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ, भाई था ना सगा, अच्छा चलो ठीक है आप इधर आ जाओ, भाई को साथ बिठा लिया। और फिर जब चीजें देने लगे तो कान में कहने लगे, वो परेशान थे ना हजरत बिन्यामीन के, ये बंदा क्या कर रहा है, तो कान में कहने लगे मैं भाई हूं तेरा, मैं यूसुफ हूं। तो इस तरह का यार थोड़े दिन मेरे पास रह नहीं जाता, तो हजरत बिन्यामीन कहने लगे रह जाता हूं। रह गए जनाब बिन्यामीन। अब कहा नहीं मैं नहीं भेजूंगा। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि हजरत बिन्यामीन के जो बोरी थी उसके अंदर उन्होंने थैले के अंदर शाही प्याला रख दिया और फरमाया इसको हम नहीं जाने देंगे, हमारा प्याला कैसे, ये नहीं कहा कि ये चोर है, कहा प्याला कैसे आया इसके थैले पे, लिहाजा ये अभी हम रहेगा हमारे पास देखेंगे। वो बाकी चले गए तो यहूदा कहने लगा कि मैं नहीं जाता, मैं यहीं ठहरूंगा, इसलिए कि मैं बाप को क्या बताऊंगा कि पहले भी मैं कुर्ता मैं ही लेके गया था यूसुफ का, अब मैं क्या बताऊंगा। वापस गए और जाके बताया कि जनाब बिन्यामीन को उन्होंने रख लिया है, मामला बन गया है। वो कहते हैं कैसे प्याला आया है, शाही प्याला। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे बिन्यामीन को भी ले जा रहे हो, पहले मैं भरोसा करके यूसुफ के मामले में परेशान हूँ। फरमाया इस तरह करो, जाओ ढूंढो जाके मेरे यूसुफ को और ढूंढो जाके मेरे बिन्यामीन को, जाओ तलाश करो। अल्लाहु अकबर, भाई दोबारा आए, गंदम भी ख़त्म हो गई थी। आते ही कहा कि अज़ीज़े मिस्र बड़ी बुरी हालत है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे बाप की रो रो के आंखें चली गई हैं, मेहरबानी करो कुछ गंदम भी दे दो और इस तरह करो कि हमारा भाई भी हमें वापस कर दो ताकि हम इसे ले जाएं और हमारे वालिद गिरामी की आंखें ठंडी हों। हजरत यूसुफ अला नबीना वालिक सलातो सलाम उनकी बातें भी सुनने लगे और गौर से उनके चेहरे भी देखने लगे, गौर से। तो जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की तरफ गौर से देखा तो हजरत यूसुफ कहने लगे मुझे पहचानते हो, पहचानते हो? कहा नहीं। फरमाने लगे मैं यूसुफ हूं। काला अना यूसुफ, कहने लगे मैं यूसुफ हूँ। और हजरत बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे वह हाजा अखी, और ये मेरा भाई है, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। और फरमाने लगे अल्लाह ने हम पर एहसान किया है और जो तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है अल्लाह ताला उस नेक के अजर को कभी ज़ाया
ये नहीं फरमाया मैंने बड़े तकवे की ये परहेजगारी की तो बच गया, फरमाया जो भी तकवा इख्तियार करेगा, जो भी सब्र करेगा, अल्लाह उस नेक के अजर को कभी जाया नहीं करेगा। फिर फरमाने लगे जाओ आज तुम पर कोई गुनाह नहीं, जाओ एकदम ही उसी वक्त ही फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। और फरमाने लगे मेरी दुआ है कि मेरा रब भी तुम्हें माफ कर दे। फिर फरमाया ये मेरी कमीज ले जाओ, मेरा कुर्ता, और मेरे बाप की आंखों पर डाल देना, उम्मीद है उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, जाओ ले जाओ। तो वो कुर्ता लेके गए, इजहबू भी कमीसी हाजा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ। देखो अल्लाह वालों के वजूद से जो चीज लग जाए तबर्रुक बन जाती है। तो वो कुर्ता लेके गए भाई, अभी दूर ही थे, तो कुरान मजीद कहता है अभी वो दूर थे तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे भाई मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे ना यूसुफ की, अल्लाहु अकबर, कौन अंदाजा करे बाप और बेटे की मोहब्बत का, मुझे ना खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबू, मुझे खुशबू आ रही है। तो हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे डाला तो रोशनी वापस आ गई। काबा जी जरा चल के देखो तो सही, रब ने आपके बेटे को कितनी शाने अता फरमाई। चलो ना, ये 72 लोग थे जो यहां से चले किनान से, और हजारों का लश्कर लेकर हजरत यूसुफ आए, हजारों का लश्कर लेके वालिद के इस्तकबाल के लिए। और जब बाप बेटे की मुलाकात हुई तो इमाम गजाली फरमाते हैं चार लोग दुनिया में बड़ा ही रोए हैं, एक हुजूर बड़ा रोए हैं उम्मत के गम में, और एक सैयदा फातिमा बड़ा ही रोई हैं हुजूर के विसाल के बाद, और तीसरा फरमाते हैं याकूब बड़ा ही रोए हैं हजरत यूसुफ के लिए बड़ा ही, और चौथे इमाम जैनुल आबिदीन बड़ा ही रोए हैं वाकया करबला के बाद। ये चार लोग बड़ा ही रोए। फिर जब मुलाकात हुई दोनों की तो इस दर्द से मुलाकात हुई कि हर आंख अश्कबार हो गई। बाप बेटा इतनी वारफ्तगी से मिल रहे थे, इतनी वारफ्तगी से कि दाएं बाएं इन्हें खबर ही न रही कि बाकी लोग भी हैं। हजरत अल्लामा इस्माइल लक्की ने लिखा है कि जनाब जिब्रील अमीन हजरत याकूब के कान में कहने लगे बस करें, ऊपर तो जरा नजर उठाएं, फरिश्ते भी दीदार के लिए आए हुए हैं, देखें अल्लाह के फरिश्ते भी आए हैं इस मंजरे मोहब्बत को देखने के लिए। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ की वालदा और फिर आपके 11 भाई सारे आपके लिए सजदे में गिर गए। तो हजरत यूसुफ कहने लगे अब्बा जी ये वो मेरा ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा था, ये वो मेरा ख्वाब है। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फिर कमोबेश लगभग 23 साल, कुछ ने लिखा है 40 साल मिस्र में रहे। और जब विसाल होने लगा तो हजरत यूसुफ से फरमाने लगे बेटा मुझे यहाँ दफन न करना, मुझे वहीं ले जाना जहाँ मेरे वालिद दफन है। वहाँ जाके वो दफन हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर सालों हुकूमत की मिस्र पर, फिर वहीं उनकी तदफीन हुई। और जब तदफीन हुई तो इख्तलाफ हो गया, हर कबीला कहता था हमने अपनी तरफ यूसुफ को दफन करना है, इसलिए कि जिस तरफ उनको दफन करेंगे खुशहालियाँ होंगी। फिर फैसला हुआ कि संगे मरमर के ताबूत में रख के हजरत यूसुफ को दफन किया जाए, और दफन करने के बाद ऐसी जगह पे दफन किया जाए जहां से पानी छू के गुजरता है। तो उनको वहां दफन किया गया, पानी छू के गुजरता था, लोग खेतियों को लगाते थे और मिस्र सरसब्ज़ो शादाब रहता था। और फिर हदीसे पाक में मौजूद है मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक आराबी आया, हुजूर ने फरमाया कुछ मांग लो उस देहाती से, हुजूर ने फरमाया है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग, कुछ मांग ले। तो वो कहने लगा हुजूर आप मुझे सवारी के लिए ऊंट दे दे। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा हाय अफसोस, मांगा भी तो क्या मांगा। हुजूर ने फरमाया चल कुछ और मांग ले। कहने लगा चले आने जाने के लिए किराया भी दे दे, ज़ादेरा भी दे दे, खाने क्या मांगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसे दे दिया। तो महबूब फरमाने लगे तुझसे तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की वो बूढ़ी अच्छी थी। कहा वो बूढ़ी कौन सी बूढ़ी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे रब करीम ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि जब आप मिस्र से निकले तो हजरत यूसुफ की कब्र को खोद कर उनका ताबूत भी साथ ले जाए। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मालिक वो कैसे पता चलेगा। फरमाया वो तो आपने खुद ही पता करना है।
कि वो ताबूत कहाँ है, वो दरिया के अंदर था। कैसे पता करना है? पता करते करते पता चला कि एक बूढ़ी अम्मा है, उसे पता है ताबूत कहाँ है, वो किधर है ताबूत, तो बूढ़ी अम्मा को पता है। हजरत मूसा बूढ़ी के पास गए, कहने लगे अम्मा वो तुझे पता है यूसुफ की कब्र कहाँ? कहने लगी पता है। तो कहा अम्मा फिर बता दो। कहने लगे मुफ्त में बता दूं, नबी के मजार का एड्रेस और फ्री में बता दूं, ये कैसे हो सकता है? तो हजरत सैयदना मूसा फरमाने लगे चल कीमत ले, तबरानी की हदीस है, हुजूर बयान फरमाते। हजरत मूसा कहने लगे बता क्या लेगी? कहने लगी मुझे ना जन्नत में वो वाला मकान दिलाएं जिसके पड़ोसी मूसा अलैहि सलाम हो, मेरी और आपकी दीवार कठी हो की आखी दे कंध। अल्लाहु अकबर। तो हजरत मूसा कहने लगे चल अम्मा मेहरबानी कर, जन्नत मांग ले, अब तो पड़ोस ही मांगने लग गई है। तो अब नबियों का दर्जा तो बड़ा होगा, तो देने वाला अल्लाह है, मैं दुआ करता हूं। तो कहने लगी जी ठीक है, अगर आप नहीं देते तो मैं एड्रेस नहीं बताती। तो हुजूर फरमाने लगे इससे तो वो अच्छी थी। हजरत मूसा ने अर्ज की कि या अल्लाह ये नहीं बता रही तो अब क्या करूं? फरमाया मूसा वादा तू कर ले, मकान मैं दे दूंगा, वादा कर ले। तो हजरत सैयदना यूसुफ का मर्तबा देखिए कि उनके मजार का पता बताने के लिए, मजार का पता बताने के लिए उस खातून ने हजरत मूसा से जो कीमत ली वो ये थी कि मैं जन्नत में आपकी पड़ोसी बनूंगी, फिर एड्रेस बताऊंगी। तो हजरत मूसा ने वादा किया, तो फिर उसने पता बताया कि फलां जगह मजार है। ये तकरीबन सैकड़ों साल बाद हजरत मूसा वो वहां से निकाल के ताबूत तो अपने साथ लेकर के गए। ये वो वाकया जिसे कुरान ने अहसनुल कसस करार दिया। अल्लाह करीम ने हमें इस वाक्य में ये बताया है कि मामलात जिंदगी से घबराया ना करो। जब भी कोई आजमाइश आती है ना, तो फिर अल्लाह दो आसानियां अता करता है। और ये भी याद रखें जो आसानियों वाले होते हैं ना, आजमाइशें भी उन्हें ही आती हैं। जो लाडले ज्यादा होते हैं, कई दफा तकलीफें भी ज्यादा, अल्लाह ताला लाडलों को तकलीफों से महफूज रखे, लेकिन तकलीफें भी ज्यादा उन्हें ही आती हैं। हजरत यूसुफ लाडले थे तो सीधे कुएं में गए थे, लेकिन अल्लाह बड़ा करीम है, भाइयों ने 20 दिरहम कीमत लगाई तो रब करीम ने फरमाया देखना फिर मैं अपने यूसुफ की क्या कीमत बयान करता। फिर करोड़ों और अरबों कीमत लगी, फिर कहाँ की आजमाइश थी, कहाँ की बात थी। वो हर जगह साबिर रहे, किसी जगह उनका कुछ शिकवा नजर, एक तकवा, दूसरा सबर, खामोशी। हम लोग ना बोल के लड़ के फतह हासिल करना चाहते हैं। याद रखना, आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं, सबर करना और काम करना, सबर करना और अपने हिस्से का रिजल्ट अपनी मर्जी का ना मांगना, रिजल्ट रब करीम की मर्जी का, नतीजा सबर करें और अपने हिस्से की ड्यूटी करें, फिर देखें अल्लाह कितना अता फरमाता है। ड्यूटी में भी कमजोरी ना करें और बेसब्री का मुजाहरा भी कभी ना करें। अल्लाह ताला हमें हजरत यूसुफ का सदका नसीब फरमाए। आखिर दावा यार।